सांसद किशन कपूर ने पालमपुर पहुंचकर अपने राजनीतिक गुरु भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का आशीर्वाद लिया। यहां पर कई भाजपा नेताओं ने किशन कपूर सहित शांता कुमार को लोकसभा चुनाव में कांगड़ा चंबा के साथ पूरे प्रदेश व देश में अपार जीत के लिए बधाई दी। शांता कुमार ने किशन कपूर को आशीर्वाद देने के बाद अपने चुनावी राजनीति छोड़ने पर भावुक गाना भी गाया। इस मौके पर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी, नगरोटा के विधायक अरुण मेहरा, पालमपुर के पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा सहित जिला के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद किशन कपूर ने अपेक्षा से अधिक जनता का अपार सहयोग देने पर कहा कि जनता ने जो साथ दिया है इसका कर्ज निभाने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किशन कपूर ने कहा कि शांता कुमार ने जो विरासत उन्हें सौंपी है उसे संभालना मेरा दायित्व है। अपने दायित्व को निभाने के लिए वे शांता कुमार के पद चिन्हों पर चलते हुए बखूबी निभाएंगे। आईटीआई मंडी में न्यू इरा कंपनी द्वारा 15 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। आईटीआई मंडी में युवाओं को रोजगार देने के लिए कंपनियां समय समय पर दस्तक देती रहती हैं। प्लेसमेंट अधिकारी लता देवी ने बताया कि दिनांक 27 मई को औद्योगिक प्रशिक्षण मंडी में न्यू इरा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना पंजाब द्वारा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। इस संस्थान के ट्रेनिंग काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल अधिकारी लता देवी ने बताया कि जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आए वे अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों सहित पहुंचे, जिसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र, व्यवसाय से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लाना आवश्यक होगा। पूरे देश में जहां पीएम मोदी का जादू एक बार फिर से सिर चढ़कर बोला है, वहीं हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर मोदी के नाम पर भाजपा की चारों सीटों पर शानदार जीत दर्ज करवाई है। भाजपा की इस जीत से भाजपा कार्यकर्ता गदगद हैं और जगह जगह पर जश्न मना रहे हैं। वहीं कांग्रेस में गमगीन माहौल है। प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार लाखों मतों से विजयी हुए हैं, जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। बीजेपी की जीत पर जगह जगह पर पटाखे फोड़े गए और ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं कई जगह लड्डू बांटकर कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी का इजहार किया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी की हॉट सीट पर मतदाताओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर भाजपा प्रत्याशी सांसद रामस्वरूप शर्मा को लघु मतों से विजय बनाया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 हलकों में कोई भी ऐसा हलका नहीं है जहां से भाजपा को विजय हासिल ना हुई हो, जबकि सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व संचार मंत्री पंडित सुखराम के पोते और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटेल मैदान से लेकर ऐतिहासिक सेरी मंच तक जीत की खुशी में रैली निकाली और खुशी का इजहार किया। अपने संबोधन में रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इस जीत का श्रेय हर उस कार्यकर्ता को जाता है जिसने पार्टी की योजनाओं को घर घर पर पहुंचाया और भाजपा की जीत सुनिश्चित करवाने के लिए पूरी लगन व ईमानदारी से मेहनत के साथ पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देते हुए कहा कि उनकी जीत प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से ही हुई है। इस अवसर पर विधायक राकेश जम्वाल सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नूरपुर में एक निजी बस पलट गई है। निजी शिक्षण संस्थान के छात्रों को ले जा रही बस अचानक ही सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें लगभग 40 छात्र सवार थे। घायल छात्रों का नूरपुर के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। निजी संस्थान के छात्रों को ज्वाली से डलहौजी लेकर यह बस जा रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी नूरपुर में एक स्कूल के बस के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है। वहीं एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, डीएसपी साहिल अरोड़ा, तहसीलदार डॉक्टर गणेश दत्त ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और घायलों को फौरी राहत देते हुए 5,000 की राहत दी है। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जाँच की जा रही है। सोलन शहर में शांतिक गांव से पीजी कॉलेज रोड पर सड़क बैठ जाने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां सड़क बैठी है वहां एक वाहन बड़ी मुश्किल से गुजर सकता है। अगर कोई नौसिखिया इस सड़क पर गलती से आ जाता है तो उसका इस सड़क में
बड़े गड्ढे में गिरना लगभग तय है। कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन अभी तक महीनों बीत जाने के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। इलाका वासियों का कहना है कि वह सड़क की दुर्दशा के बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। उन्होंने बताया कि सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि रोगियों को अस्पताल पहुंचाना कोई चुनौती से कम नहीं है। वहीं बच्चे भी इसी मार्ग से आते जाते हैं। सड़क में पड़े गड्ढों के कारण वे भी अक्सर चोटिल हो जाते हैं। इसलिए उनकी जिला प्रशासन से गुहार है कि वे इस सड़क की सुध लें और जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि लोग दुर्घटनाओं से बच सकें।